दी बबल बस्ट ऑफ आईटी स्टॉक्स, इंफोसिस, हमारा टीसीएस, हमारा विप्रो, हमारा टेक महिंद्रा और जाने कोई भी, ये सारे जो भी टेक महिंद्रा जैसे टीसीएस जैसे जो आईटी स्टॉक्स है ना, आईटी कंसल्टिंग स्टॉक्स है, कुछ भी हो, अगर आप किसी का भी चार्ट पैटर्न मैक्स वाला उठा के देखोगे तो आपको एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा कि हर एक स्टॉक मैक्स पर बैठा है। अब उनका बबल बस्ट कैसे होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, और बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, हर एक स्टॉक अपने टॉप लैंग्वेज पर बैठा है, टॉप पर बैठा है, एकदम टॉप पर। देखिए जरा सी भी एक मूवमेंट चाहिए नीचे आने की, और वो मूवमेंट का रीजन मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल रीजन है, क्योंकि देखिए ये कौन सा हो गया, विप्रो। विप्रो में एक बार ऐसा बुकाल आया था कुछ 2001 के आसपास, और 2001 का आप शेयर प्राइस देख लो कितना तेजी से गिरा था। अब उतनी बड़ी गिरावट आएगी क्या, नहीं, वी डोंट नो, बट कैसी भी गिरावट आएगी तो वो गिरावट आनी तो नहीं चाहिए ना, तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, हमें किस बातों का ध्यान रखना है, हमें कुछ करना है, सब डिस्कस होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखिए HCL टेक हो गया, L&T हो गया, कोई भी आप पकड़ लो, हर एक स्टॉक आपको इतना अपने टॉप पर बैठे हुए दिखेगा। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं डॉलर और इंडियन रुपी का यहां पर क्या होता है। अब देखिए इनका रिलेशन क्या है पता है क्या, अगर डॉलर यहां पर 70 का है तो डॉलर सस्ता है, ठीक है, और अगर डॉलर 72 का है, जो है अभी एक्चुअल 73 का हो चुका है, 72.99 का, मतलब 73 का, तो 73 वाले डॉलर को हम महंगा बता रहे हैं एज कम्पेयर टू 70। क्यों? क्योंकि देखिए पहले हमें एक डॉलर 70 रुपये में पड़ता था, लेकिन अभी वही डॉलर देने के लिए हमें 3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब ये 3 रुपया आपको लग रहा होगा 3 रुपये तो है, लेकिन इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है मार्केट में, आप यही देखो ना, करोड़ों का माल है उसमें 2-3 यहाँ पर जो चीज़ होती है अगर वो कम हो जाए, रुपए कम हो जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए तो हमें पता है कि अगर डॉलर वीक होता है मतलब क्या, डॉलर की प्राइस नीचे आती है मतलब क्या, डॉलर पहले 75 का था तो अभी 73 का हो गया, मतलब क्या, अभी देखिए डॉलर वीक मतलब जो इंडियन रुपी है उसकी प्राइस कम हो जाएगी, एक डॉलर पहले 75 का था और वीक होने के बाद वो डॉलर अभी 73 का चल रहा है, अभी और नीचे जाएगा। अगर आप एक महीने पहले का पैटर्न देखो तो आपको दिखेगा 74.50 का डॉलर था और अभी प्राइस 73 की चल रही है, तो आपको दिख रहा है कि ओके 1.5 रुपए की तो यहाँ पर गिरावट है, लेकिन 1.5 रुपए करोड़ों रुपए खरबों रुपए का नुकसान और प्रॉफिट हो जाता है। तो इसीलिए तो अगर आपको डॉलर कमजोर हो रहा है, मतलब डॉलर की प्राइस गिर रही है, तो आपको है ना मार्केट में एक्सपोर्ट्स ज्यादा होते हुए देखने मिलेंगे। आप भी यही करेंगे, अगर आप बिजनेसमैन है तो आप भी यही करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले देखिए आपको जनरली एक माल एक्सपोर्ट करने के लिए है ना $1 पे करना पड़ता था, ठीक है, तो अभी भी वही करना पड़ रहा है, 2-3 साल बाद भी वही करना पड़ रहा है, या फिर जब भी डॉलर 75 का था एक महीने पहले तभी भी आपको $1 ही देना था किसी भी माल के लिए। फॉर एग्जांपल एक आईफोन है, आईफोन खरीदने के लिए आपको यहाँ पर $1 देना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो पहले आपको 75 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ ना एक महीने बाद इसकी वैल्यू हो गई 73 रुपीज, तो आपको 74 रुपीज दोगे, मतलब 74,000 रुपीज दोगे कि 73,000 रुपीज दोगे, ऑब्वियसली 73,000 दोगे, तो जो भी पहले 75 में खरीदना चाहते थे वो अभी 73 में खरीदेंगे। वैसे ही तो उसकी वजह से ना एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है और आईटी कंपनीज का नुकसान हो जाता है। अभी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है और आईटी कंपनीज का नुकसान कैसे हो जाता है ये मैं बताता हूँ। अभी देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है क्यों, क्योंकि देखिए पहले डॉलर था 70 रुपये का, तो हम कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो जितने भी डॉलर आएंगे उसकी वैल्यू होगी $1 की 70 रुपये, लेकिन अभी क्या होगा ना, अभी हम उतना ही सामान बेचेंगे, हमारे पास डॉलर भी उतने ही आएंगे, लेकिन 70 रुपए का क्या होगा ना 72 हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा मतलब हमें 2 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, तो ये होता है डॉलर का फायदा। अब और एक चीज बताता चलूं, अब मैंने आईटी कंपनीज की बात की, आईटी कंपनी के बबल की बात की, मैं आपको सीधी सी सिंपल बात बताता हूं, अब तक हम मेन पॉइंट पर आए नहीं थे, अभी हम मेन पॉइंट पर आएंगे तो हमें पता चलेगा कि US फेडरल रिजर्व, तो उसने
उसने क्या बोला कि हमारे बॉन्ड्स की प्राइस है ना, हमें बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलेगा। अभी इंटरेस्ट मतलब आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक साल बाद मुझे 20% का रिटर्न मिला, तो वो होता है हमारा इंटरेस्ट। तो अभी जनरली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैपिटल है तो हम उसको डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग कैपिटल्स में, पोर्टफोलियोज में। एक हम यहाँ पर गोल्ड में डाल देंगे, सिल्वर में डाल देंगे, कमोडिटी में डाल देंगे, करेंसी में डाल देंगे, हम बॉन्ड्स में डालेंगे, हम रियल स्टेट में डालेंगे, इक्विटी में डालेंगे, स्टॉक मार्केट में डालेंगे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये क्या होता है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का करोड़ों में माल रहता है तो वो लोग यही करते हैं। तो अभी क्या हुआ, उनका जो पैसा यहाँ पर हमें बॉन्ड्स में देखते हुए देखने मिला था, वो पैसा वो लोग क्या करेंगे अभी देखिए। ये न्यूज़ तो बहुत 2 हफ्ते पुरानी है, लेकिन हम जो है ना ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे ध्यान देंगे, हम न्यूज़ पे ध्यान नहीं देंगे, हम लर्निंग पे ध्यान देंगे। अब क्या हुआ, ये US फेडरल रिजर्व जो एकदम पावरफुल नेशन का सेंट्रल बैंक है, मतलब जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, लेकिन इंडिया पावरफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू, इंडिया पावरफुल है लेकिन एज़ कम्पेयर टू US इतना पावरफुल नहीं है। तो सुपर पावर का जब सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक जब वो फाइनेंशियल्स कंट्रोल करता है, उसने क्या बोला कि जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं उस पर आप इन्वेस्ट करो, करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले फॉर एग्जांपल आपको 10% का प्रॉफिट मिलता था, रिटर्न मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, तो अभी आपको 9% का ही मिलेगा। तो सबके मन में यही आएगा ना कि US मार्केट में मतलब इन्वेस्ट क्यों करने का, बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करने का, जब इक्विटी ही हमें स्टॉक मार्केट ही पैसा बना के दे रही है। तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड में से पैसा निकाल के हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में लेके आ जाएंगे और कई सारे देशों के स्टॉक मार्केट में लेके आ जाएंगे। बट अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो पैसा था वो इंडिया में आ जाएगा। तो इंडिया में जैसे ही मनी आता है वो हो जाता है डॉलर की कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो जैसे ही डॉलर इंडिया में आते हैं, डॉलर की जो है वो है यहाँ पर क्वांटिटी कम हो जाती है, एंड विथ दैट रिस्पेक्ट डॉलर जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। डॉलर कमज़ोर नहीं होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है हमारे रुपी की, रुपी है ना पावरफुल हो जाता है। तो रुपी पावरफुल हो जाता है तो डॉलर इन जनरल कमज़ोर ही हो जाता है, और कमज़ोर होने का मतलब डॉलर की प्राइस नीचे जाने लगती है, जो हमें इतने टाइम से दिख रही है। अब जब न्यूज़ आई थी तभी देखिए, तभी क्या प्राइस हो गई डॉलर की, इतनी गंदी गिर गई। तो रुपी कमज़ोर हुआ, डॉलर यहाँ पर बढ़ा नहीं, लेकिन रुपी कमज़ोर हो गया, एंड विद दैट हमारा जो ये है, हमारा इंडियन और डॉलर का रुपी है वो कमज़ोर हो गया। अब मेन बात पे आते हैं हम यहाँ पर IT कंपनीज़ के बारे में। IT कंपनीज़ को क्या है, तो IT कंपनीज़ का जनरली जो बिजनेस रहता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रहता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट दे आर ऑल्सो सिचुएटेड इन ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब यहाँ पर क्या होता है, पहले अभी देखिए TCS एक सर्विस दे रहा है, तो पहले TCS को $1 मिल रहा है, तो वो $1 की वैल्यू हो रही थी पहले 72 रुपीज़, ठीक है 74 रुपीज़, इस जगह पर जब मैंने आपको मार्क लगाया इस जगह पर 74 रुपीज़ थी। अब क्या होगा ना, अब एक महीने बाद, जब अभी एक महीने पहले उसको उसी सर्विस का $1 मिल रहा था और अभी भी $1 मिल रहा है, लेकिन जो रुपी में जब ही कन्वर्ट होता है ना, हम तो रुपी में यूज़ करेंगे, TCS रुपी में यूज़ करेगा, तब उसको पहले 74 मिल रहा था और अभी उसकी वैल्यू हो गई 73। तो ये तो $1 नहीं, करोड़ों ड�$1 रहते ना, करोड़ डॉलर का, $1 बिलियन का यहाँ पर रेवेन्यू आया, तो फिर $1 बिलियन का तो नुकसान हो गया है ना, ₹1 अगर कम हो गया तो ऐसे ही अभी 73 हो गया। तो वैसे हमारे IT जायंट्स को नुकसान होता है, IT कंपनीज को नुकसान होता है। तो जनरली जब जनरल बंदों का फ़ायदा होता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, जब US वाले इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर जो है ना वो कमज़ोर होता है और इंडियन रुपी बढ़ता है। अब इंडियन रुपी बढ़ेगा तो डॉलर कमज़ोर होगा, और डॉलर कमज़ोर होगा तो डॉलर के ये चार्ट में हमें कमी देखने मिलेगी, डॉलर के चार्ट में कमी देखने मिलेगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और इंडिया का स्टॉक मार्केट ऐसा टॉप पे बैठेगा, ऐसा टॉप पर, जिस तरह यहाँ पर ये टॉप पर है, इस जगह पर टॉप पर है, लेकिन जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अब देखिए ये पैसा तो टेक महिंद्रा में आ रहा है, TCS में आ रहा है, तो उसकी वजह से स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो कम ही होगा, मतलब सेल्स उतनी होगी लेकिन जो इनकम आएगी वो कम आएगी, क्योंकि देखिए इनकम भी डॉलर में उतनी ही आ रही है, लेकिन इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कम हो जाएगी, और इंडियन रुपी जैसे कि स्ट्रांग हो रहा है तो इंडियन रुपी वो वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी $1 की। वैसे ही हमारे IT जायंट्स को नुकसान होगा, और अभी जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगेगा, और एक बार ऐसा मतलब जब ही आ गया कि ओके यहाँ पर प्रॉफिट रेगुलरली नीचे जा रहा है, तो फिर जनरल इन्वेस्टर्स जो है वो उसमें माल बेचना बंद कर देंगे। एक तो ये बात हो गई, तो स्टॉक नीचे जाएगा लेकिन हमारे जो स्टॉक को प्रॉफिट होगा, और सेकेंड बात ये हो जाएगी ना कि जब ये बॉन्ड्स जो है, ये US गवर्नमेंट ने कहा है 2023 तक, मतलब कहा तो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन बात सामने आ रही है 2023 तक तो ये
अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे नहीं। तो 2023 को जब ये के बाद ये जब ये होगा ना अपने बॉन्ड्स की इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में से निकाल कर पैसा इधर जाएगा बॉन्ड्स में, क्योंकि बॉन्ड्स इज अ स्लाइटली सेफर ऑप्शन। और अगर सेफर ऑप्शन नहीं भी है, स्टॉक मार्केट भी सेफ ऑप्शन है, तो क्या है बॉन्ड्स से है ना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो तो जाएगा बॉन्ड्स में, तब इंडियन रुपी की वैल्यू यहाँ पर गिरेगी एंड देन जो US चार्ट डॉलर है वो बढ़ जाएगा। और उसी तरह से ये जो IT जायंट्स है उनके प्रॉफिट में तो ग्रोथ आएगी, लेकिन जो कम यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालेंगे और स्टॉक नीचे जाएगा, तो स्टॉक नीचे जाएगा लेकिन कंपनी में ग्रोथ आएगी, तो ऐसा वाइस वर्सा चलते रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो मतलब आपको समझ में आ रहा था, और समझ में आ रहा था मतलब मैंने सिंपली वे में अपनी फुल कोशिश की है। और अगर कुछ भी मेरी गलती रही हो या फिर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट की सजेशन देनी हो, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।